हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ हाउ टू विड्रॉल मनी फ्रॉम ड्रीम 11। सो अगर आप ड्रीम 11 से गेम खेलते हैं, वहाँ पे बहुत सारे मनी आपने इकट्ठा कर लिया और आपको नहीं पता है कि विड्रॉ कैसे करना है, तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। सो वीडियो मेरी लास्ट तक देखिएगा। तो फटाफट वीडियो स्टार्ट कर देते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, सिंपल से प्रोसेस है यहाँ पे। आपको क्या करना है, आपको ड्रीम 11 के अपने अकाउंट में जाना है एंड वहाँ पे माय अकाउंट का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करना है एंड विनिंग सेक्शन का ऑप्शन आएगा, फिर उस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको विड्रॉल ऑप्शन आएगा, आपको उस पर क्लिक करना है। वहाँ पे आपको अपना बैंक अकाउंट और पैन कार्ड वहाँ पे दोनों ही वेरीफाई कराना पड़ेगा आपको। एंड उसके बाद जब वो वेरीफाई हो जाता है, तब जो मिनिमम अमाउंट है विड्रॉल का वो 200 है, उससे नीचे का आप विड्रॉल नहीं करा सकते हो। एंड जैसे आप अपनी ईमेल आईडी जो आपने रजिस्टर कर रखी है ना, विड्रॉल की रिक्वेस्ट डालोगे तो उस पर आपको मेल आएगा, वो कन्फर्मेशन मेल होगा, उसके बाद ही आपकी विड्रॉल रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की जाएगी। टर्म्स एंड कंडीशंस मैं आपको बता देती हूँ। जो आपका विड्रॉल मनी है वो तभी आप विड्रॉ करा सकते हो जब आपका अकाउंट जो है वो वेरीफाइड होगा, ठीक है। एंड जो आपको कैश बोनस मिलता है वहाँ पे, वो रिडीम नहीं कर सकते हो आप, उससे सिर्फ गेम्स वगैरह ही खेल सकते हो वहाँ पे, और बहुत सारे जो कॉन्टेस्ट होते हैं वो ज्वाइन कर सकते हो। एंड यहाँ पे दिया हुआ है वेरीफाई इज एन वन टाइम प्रोसेस, तो जो वेरीफिकेशन है वो सिर्फ आपको एक ही बार कराना पड़ेगा, और उसके बाद जब तक वो वेरीफाई नहीं हो जाता आप अपने अकाउंट में कुछ चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है। एंड जो आप विड्रॉल मनी की रिक्वेस्ट डाली है वो 5 वर्किंग डेज में आपका अकाउंट में आपके पैसे आ जाएंगे। वर्किंग डेज, सैटरडे संडे वर्किंग डेज नहीं होते हैं, तो आप उसको हटा दीजिए। एंड सारी चीज़ें तभी हो पाएगी जब आपका अकाउंट वेरीफाई होगा, ये है इसकी मेन चीज़ें। उसके बाद हम बात करते हैं हाउ टू वेरीफाई योर बैंक अकाउंट ऑन ड्रीम 11। तो सिंपल सा है, आपको एंटर करना है IFSC कोड जो होता है एंड योर बैंक अकाउंट नंबर, एंड उसके बाद आपके बैंक जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, पासबुक, फ्रंट पेज कॉपी एंड बैंक स्टेटमेंट और चेक हैविंग योर नेम प्रिंटेड ऑन, चेक के ऊपर अगर आपका नेम प्रिंटेड है तो वो वाला। टू वेरीफाई योर बैंक डिटेल गिवन ड्रीम 11 3 to 5 days, नो मतलब कि जो आपकी वेरीफाई होगा वो 3 to 5 दिन के अंदर ही डिटेल्स आपकी आएगी कि आपका अकाउंट वेरीफाई हुआ है कि नहीं। उसके बाद अगर आपके पास ऑलरेडी ड्रीम 11 का अकाउंट है और आपने वहाँ पे ऑलरेडी बैंक डिटेल्स डाली हुई है, तो आप नहीं कर सकते हो। आप एक अकाउंट में सिर्फ एक बैंक डिटेल्स ही डाल सकते हो, उससे ही वेरीफाई करा सकते हो। एंड पेमेंट जो है, मतलब बेस्ड ऑन द न्यू कॉम्प्लाइंस रूल्स, पेमेंट बैंक आर नॉट अलाउड फॉर वेरीफिकेशन एंड लिंकिंग ऑफ ड्रीम 11 अकाउंट फॉर विड्रॉल, ठीक है। एंड द अकाउंट ऑफ NRE इज नॉट परमिटेड, तो ये चीज़ आप याद रखिए। बस आपको इसी तरीके से अपना बैंक अकाउंट जो है वेरीफाई कराना होगा। उसके बाद हम बात करते हैं हाउ टू डू पैन वेरिफिकेशन ऑन ड्रीम 11। तो पैन कार्ड भी आपको वेरीफाई कराना पड़ता है, तो वहाँ पे आपको पैन कार्ड का एक मेंशन किया होगा, आपको उस पर क्लिक करना है। वहाँ पे आपको अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ और पैन कार्ड का जो नंबर होता है वो आपको डालना है। उसके बाद आपको रिजेक्शन से अगर अवॉइड करना है, मतलब रिजेक्शन कई बार हो जाता है, तो आप सिंपल सा है अपनी क्या बोलते हैं जो पैन कार्ड की फ़ोटो होती है, क्लियर फ़ोटो डालिए। कभी भी ना ऐसी धुंधली या फिर जो जिसकी क्वालिटी ख़राब हो, ऐसी फ़ोटो कभी भी अपलोड मत कीजिए। जो आपकी क्लियर फ़ोटोग्राफ होगी पैन कार्ड की, वही आप अपलोड कीजिए, ठीक है। एंड उसके बाद जो पैन कार्ड है, टू वेरीफाई योर पैन एंड गिव 3 to 5 days, मतलब इसमें भी वेरीफिकेशन के लिए 3 to 5 दिन लेते हैं ये लोग, तो उसका आपको वेट करना है। एंड वही चीज़ इसमें भी दी गई है कि अगर आपने मतलब पहले किसी अकाउंट पे अपना पैन कार्ड डाला हुआ है, तो वो यहाँ पे नहीं चलेगा ड्रीम 11 के अकाउंट पे। तो आपको एक अकाउंट में सिर्फ एक ही डिटेल्स डालनी है, तो ये है इम्पॉर्टेंट। एंड अब मैं बात करती हूँ डेली विड्रॉल लिमिट क्या है। तो डेली विड्रॉल लिमिट है कि आप एक दिन में 3 बार विड्रॉल रिक्वेस्ट डाल सकते हो, ठीक है, मैक्सिमम 3 times ही है। एंड जो आपकी टोटल वैल्यू है ना, मतलब आप 3 बार भी टोटल करोगे तो आपकी 2 lakh होगी, मतलब 2 lakh आप एक दिन में निकाल सकते हो, और मिनिमम है 200। तो 200 से नीचे आप नहीं निकाल सकते और 2 lakh से ऊपर आप नहीं निकाल सकते। तो लिमिट जो है वो 3 बार आप निकाल सकते हो, बट 2 lakh ही निकलेगा आपका, तो ये वाला है। तो लिमिट भी मैंने आपको बता दी है, कैसे आप पैन वेरिफिकेशन कर सकते हो, कैसे बैंक अकाउंट वेरीफाई कर सकते हो, टर्म्स एंड कंडीशंस एंड हाउ टू विड्रॉल मनी फ्रॉम ड्रीम 11। तो सारी चीज़ें मैं आपको बता चुकी हूँ, फिर भी अगर आपको कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझे पूछ लीजिएगा। एंड वीडियो हेल्पफुल रही हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, साइड में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना ना भूलो, ताकि नेक्स्ट टाइम मैं आपके लिए और ऐसी हेल्पफुल वीडियो लेके आऊँ तो आप उसको मिस ना कर पाए। अब मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन हैप्पी शॉपिंग, बाय बाय।